अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सूखा भुना हुआ गोश्त। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप चाहे तो मटन की जगह चिकन का भी गोश्त ले सकते हैं, वो जल्दी पक जाएगा। मटन को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, सॉल्ट, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, 2 बड़े प्याज, मटन 1 kg, और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जिसे हम भूनकर पीस लेंगे। ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और खड़ा धनिया। इसे हम पहले अच्छे से इसे फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ड्राई मसालों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा बस गर्म हो जाए और पीसने में वो आराम से पीस जाए, इतना ही इसे रोस्ट करेंगे। ये इतने सारे मसाले हमें नहीं डालना है, इसमें से बस हम 2 टीस्पून जितना ही यूज़ करेंगे, बाकी बच जाए तो आप इसे एयर टाइट में स्टोर कर सकते हैं, जो आगे आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मसाले हो गए रोस्ट करके, मैं उसे ठंडा करके उसका पाउडर बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने कुकर ले लिया है और ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मीठा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें मटन डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसका सारा वाटर ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। जब भी आप नॉनवेज बनाते हैं तो ख्याल रखें कि मटन हो या चिकन, उसे अच्छे से रोस्ट करें, उसका पानी अच्छे से सुखा ले ऑयल में, वरना ग्रेवी में उसकी स्मेल आती है। अब मैं इसे 10 मिनट ढक के पकाऊँगी ताकि वो सारा पानी छोड़ दे, और उसको ड्राई करके बाद में मैं इसमें धीरे धीरे करके सारे मसाले ऐड कर दूंगी।
मसाले में अच्छे से भूनने के बाद हम इसे 4 से 5 सीटी दे देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और सीटियाँ होने के बाद मटन मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें कुछ स्टेप्स अभी बाकी हैं। मटन को 2 मिनट कढ़ाई में चला लेने के बाद हम इसमें सबसे पहले दही ले लेंगे। दही 1/2 कप थी। दही डालने के बाद इसमें हम भुना हुआ मसाला जो हमने खड़ा भून के और पाउडर बना के रखा है वो 2 से 3 टीस्पून डाल के अच्छे से आधे घंटे तक और पका लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आऊँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।